नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं Vivo Y17s मोबाइल में डाटा लिमिट को कैसे बढ़ाया जाता है। जैसे ही डाटा लिमिट को आप इस मोबाइल में सेट करोगे, उसके बाद आपके मोबाइल की इंटरनेट स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, और अगर आपके नोटिफिकेशन पर डाटा वार्निंग का नोटिफिकेशन शो हो रहा है तो वो भी हट जाएगा। तो कैसे इस मोबाइल में डाटा लिमिट को आप बढ़ाओगे, चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके मोबाइल में आई मैनेजर नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी, ये हर वीवो के मोबाइल में मिलती है। तो इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहां पर डाटा मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहां पर दोस्तों देखिए डाटा वार्निंग लिमिट का ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। अब यहां पर देखिए सेट डाटा लिमिट का ऑप्शन मिला है, यानी सेट डाटा वार्निंग का ऑप्शन, तो ये टिक आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहां पर सेट डाटा लिमिट का ऑप्शन मिला, इस टिक को आपको ऑन करना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब डाटा लिमिट का ऑप्शन जो नीचे की तरफ दिख रहा है, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है। और यहां से दोस्तों आपको 48,000 इस प्रकार से लिख देना, सेट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाटा वार्निंग का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, और इस पर दोस्तों आपको 5 जो है लिख देना है, ठीक है, सेट पे आप क्लिक कर दीजिए। बस आपकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप दोस्तों जो है आपके मोबाइल की डाटा लिमिट बढ़ चुकी है, और अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होता है डाटा वार्निंग का तो वो भी नहीं शो होगा। तो इस प्रकार से आप इस मोबाइल में डाटा लिमिट को बढ़ा सकते हो।